दक्षिण कोरिया में गर्मियों में भारी बारिश होना आम बात है, लेकिन हाल ही के सालों में मूसलाधार बारिश में बढ़त दर्ज की गई। इसके अलावा बादल फटने की घटनाएं भी तेज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मध्य दक्षिण कोरिया में बाढ़ ने भयानक रूप ले लिया। जबकि दक्षिण कोरिया के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ने बारिश के मौसम और बाढ़ से निपटने की तैयारियां पहले से की थी, क्योंकि पिछले साल हुई बारिश ने 115 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर भी इस बार की तैयारी नाकाफी साबित हुई। नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर तटबंध को तोड़कर गांव और शहरों में घुस गई। हालांकि राष्ट्रपति ने राहत और बचाव कार्य के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों को जुटाने का आदेश दिया, लेकिन ऐसे हालात से निपटने में कई दिन लग जाएंगे। वहीं आने वाले दो दिनों में अभी 12 इंच और बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। कई जगहों पर बादल फटने से नदी का तटबंध टूट गया, शहरों में नदी का पानी भी पहुंच गया और भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। यही वजह है कि इटली के सिसिलियन सिटी पलेर्मो में लोग इतनी ज्यादा गर्मी से राहत हासिल करने के लिए गार्दा झील और समंदर में पहुंच रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले ये साल सबसे ज्यादा गर्म है, लेकिन रविवार को दक्षिणी यूरोप में चारों नाम का एक नया एंटी साइक्लोन आया, जिसकी वजह इटली के कुछ हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो सकता है। और इसी बीच मध्य प्रदेश के हरदा जिले में दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ। उफनती नदी में फंसकर एक थाना प्रभारी की मौत हो गई। बताया गया कि वो वहां एक शव फंसे होने की जानकारी के बाद पहुंचा था, जिसे नदी से बाहर निकालने के लिए वो खुद उफनती जामनेर नदी के बीच पहुंच गए और नदी के भंवर में फंस गए, जिसके बाद उन्हें आसपास के लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल भेजा गया। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत बता दिया। खबर मिलने के बाद मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी वहाँ पहुंचे। इन दिनों मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से वहाँ की नदियाँ उफान पर हैं। इसी दौरान उन्हें नदी में एक शव के फंसे होने की जानकारी मिली, जिस पर वो खुद ही उसे निकालने पहुँच गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। उधर हरियाणा के रेवाड़ी शहर में बारिश आफत बनकर बरसी। लगातार 6 घंटे हुई बारिश से पूरे शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, खासकर निचले इलाकों में घरों तक पानी घुस गया, जिसकी वजह से रेवाड़ी में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे लोगों की गृहस्थी भी पानी में डूब गई और लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। सड़कें पानी से पूरी तरह से लबालब नजर आईं। बरसाती पानी के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। परेशानी इतनी हो रही है कि घर में नहीं जा सकते हम, और लोग घरों में घुसे पानी से जूझते दिखाई दिए। 6 घंटे की बारिश ने पूरे शहर का हाल बेहाल कर दिया। सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में देखने को मिली। इस मानसून में रेवाड़ी जिले में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। और बाढ़ से जुड़ी हुई हरियाणा से बड़ी खबर आपको बता दें, हथनीकुंड बैराज में फिर से बढ़ने लगा है यमुना नदी का जलस्तर, जिसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना नदी के तेज कटान की वजह से कई गांव उसके जद में आ सकते हैं, जिसे रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन ने बालू की बोरी लगाकर कटान रोकने की कोशिश शुरू कर दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से हथनीकुंड बैराज का पानी बढ़ रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और एक बार फिर से अगर हथनीकुंड बैराज का पानी बढ़ा तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और एक बार फिर भारी बारिश की वजह से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। यमुना नदी में लगातार उफान की वजह से वहाँ के आसपास के इलाकों में कटान भी बढ़ गया, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। वहाँ के लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और उनमें नाराजगी देखने को मिली। यहाँ से गांव से कुल मात्र 400 फुट की दूरी पर रह गई है यमुना। यमुना के कटान को रोकने के लिए प्रशासन ने बालू से भरी बोरियों को किनारे पर लगाने का काम तेज कर दिया। उधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में गोविंद झुंझू झरने के पास कई पर्यटक चोरनई नदी में उफान के बीच फंस गए। बताया गया कि वो लोग वहाँ पिकनिक मनाने के लिए गए थे, तभी नदी में बाढ़ आ गई और सभी वहाँ पर फंस गए, जिसके बाद वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। उफनती नदी के बीच फंसे लोगों ने खुद को बचाने के लिए वहाँ पर बने व्यू पॉइंट की छत पर चढ़ गए। बताया गया कि वो सभी वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए गए थे, तभी अचानक चोरनई नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसमें आए सैलाब की वजह से वो नदी पार नहीं कर पाए और बीच में ही फंस गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस पार से उस पार रस्सी बांधे और फिर उन लोगों चारों को साथ में ले। इसी बीच नदी का जलस्तर कम होने के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने इस पार से उस पार तक रस्सी बांधकर उसी के सहारे चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। और इसी बीच मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर छतरपुर में हुई भारी बारिश के बाद वहां सैलाब आ गया। सामने आए डरा देने वाले वीडियो में वहां के एक मंदिर में बारिश का पानी भरता हुआ दिखाई दिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं, जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, भारी बारिश से हाल बेहाल है।
छतरपुर में मंदिर में पानी भर गए। तस्वीरें देखिए किस तरीके से मंदिर में सैलाब साफ तौर पर देखने को मिला। मंदिर की सीढ़ियां पूरी तरीके से पानी में डूब गई। श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचे हुए थे उनके मन में डर और खौफ साफ तौर पर दिखाई दिया। जटाशंकर मंदिर के परिसर में ये पानी घुस गया। तो जटाशंकर मंदिर परिसर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर जगह हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ राजधानी दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार। और तीसरी तस्वीर आपको मध्य प्रदेश की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए छतरपुर में मंदिर में पानी भरा हुआ। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जटाशंकर मंदिर परिसर में ये पानी घुसा है। हालांकि बाढ़ और बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जारी किया गया था और साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश मध्य प्रदेश में होती ही रहेगी। और इसीलिए लोगों से कहा गया कि लोग अपने घरों से ना निकले। देखिए किस तरीके से उफनते नदी नालों की वजह से यहां पर पानी भर गया, क्योंकि बारिश के पानी ने हर तरफ कब्जा जमा लिया। छतरपुर के जटाशंकर धाम मंदिर में तो मानो पूरा सैलाब उमड़ पड़ा और बारिश का पानी तेजी के साथ मंदिर के सीढ़ियों के रास्ते और दूसरी तरफ से मंदिर के अंदर घुसता नजर आया। देखते ही देखते पूरा मंदिर परिसर बारिश के पानी में भर गया। इस दौरान वहां दर्शन के लिए आए लोगों में हड़कंप मच गया। पहाड़ों पर हुए तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में मौजूद जटाशंकर मंदिर में पानी ने जमकर कहर बरपाया।